आज हम श्लोक 17 और 18 का श्रवण करेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। ये अध्याय 1 के श्लोक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। काश्याश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजिता द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंगान पृथक पृथक। पहले हम इन संस्कृत के श्लोक का हिंदी समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ के राजा जो महारथी हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, जैसे काशी के राजा ने, शिखंडी ने, धृष्टद्युम्न और विराट सात्यकी जिनको हराया नहीं जा सकता था उन्होंने हिस्सा लिया था। द्रौपदौ द्रौपदेयाश्च जो द्रुपद है उन्होंने हिस्सा लिया था, द्रौपदी के पुत्रों ने हिस्सा लिया था, द्रौपदी के 5 पुत्र थे उन्होंने हिस्सा लिया था। सौभद्रश्च महाबाहु जो महाबाहु सुभद्रा के जो सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु उन्होंने हिस्सा लिया था। और उन्होंने सबने अपने अपने शंखों की ध्वनि से युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा की। इसमें जो बताया गया है, जैसे पहले बोला गया है कि काश्याश्च परमेश्वासा जो काशी के राजा थे उन्होंने हिस्सा लेना, जो काशी के राजा थे उनको भी काशी राज कहते हैं। काशी राज की 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका और अम्बालिका। इसी में जो अंबा थी इनको जब इनका हरण जो भीष्म ने किया था विचित्र वीर्य के लिए, तो अंबा ने उनसे विवाह करने के लिए मना किया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, तो भीष्म ने उन्हें छोड़ दिया था, तो भीष्म ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी थी। तो यही जो अंबा थी इन्होंने ही लेकिन उन्होंने जिनसे प्रेम किया था उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने काफी तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनको वरदान स्वरूप एक हार मिला था, जिसके लिए बोला गया था कि अगर ये हार कोई पहन के अगर युद्ध लड़ेगा तो कभी हार नहीं सकता। लेकिन किसी ने भी भीष्म से लड़ने का प्रयास नहीं किया और जो अंबा थी वो एक जलती आग में कूद गई थी। उस हार को उन्होंने राजा द्रुपद के महल के बाहर टांग दिया था और वो वही एक आग में वो कूद गई थी। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी। और अगले जन्म में यही अंबा राजा द्रुपद के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन इनके पैदा होने पर एक आकाशवाणी हुई थी जिसकी वजह से इनका जो पालन पोषण है वो लड़कों की तरह किया गया था। इनको धनुष बाण चलाना और सब कुछ करना इनको ये सिखाया गया था। तो जो शिखंडी जो है ये राजा द्रुपद के ही पुत्र है। और जो धृष्टद्युम्न है वो तो जैसे आप जानते ही हैं, धृष्टद्युम्न जो पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र थे, और धृष्टद्युम्न को हराना जो था वो बोला जाता था नामुमकिन था। और जो राजा विराट है वे अभिमन्यु की जो पत्नी राजा जो अर्जुन अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा के जो पिता थे वो राजा विराट थे, राजा विराट की पुत्री उत्तरा थी। और सात्यकी जो थे वो यादवों के सेनापति थे, यादव जो जिनका जो द्वारका नगरी में सब रहते थे। तो जो और सात्यकी ने जब अर्जुन ने 12 साल के वनवास के लिए वो अर्जुन गए थे तो उन्होंने जो सात्यकी को धनुष बाण विद्या में निपुण किया था, इसलिए जो सात्यकी है वो अर्जुन को अपना गुरु मानते थे। इसीलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, यह बोला जाता है कि द्रौपदी के 5 पांडवों से 5 पुत्र थे। उनके जो पुत्र थे जैसे राजा युधिष्ठिर जो से जो उनके पुत्र थे उनका नाम था प्रतिविंध्य, अर्जुन से पुत्र का नाम था श्रुतकर्ण, भीम से पुत्र का नाम था श्रुतसेन, नकुल से पुत्र का नाम था शतनिक और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। तो ये इस तरह से उनके 5 पांचों पांडवों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और ये जो पुत्र थे इन सब ने ही इसमें हिस्सा लिया था महाभारत के युद्ध में, और इनको धोखे से रात को सोते हुए इनको मार दिया गया था। तो ये जो लड़ाई हुई थी इसमें कुछ कुछ जो नीतियां थी जो जो कुछ कुछ चालें रची गई थी वो बहुत खराब भी थी, अनीतिपूर्ण थी, तर्कपूर्ण नहीं थी। लेकिन जैसा कि बोला जाता है कि युद्ध में सब जायज है, तो जैसे उन्होंने ये बोला कि जैसे अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का वध किया गया था,
अश्वत्थामा जो मर गए, ये बोला गया था, जो अश्वत्थामा थे वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो जब उन्होंने, गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि जो युधिष्ठिर हैं वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने वो आशापूर्ण दृष्टि से युधिष्ठिर की तरफ देख के बोला था कि अश्वत्थामा क्या मर गए हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मर गए हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बाद में बोला कि हाथी, मतलब उनका पुत्र नहीं था, क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो यही सुनकर बहुत निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, और उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे और उनका वध कर दिया गया था। तो इसी की वजह से जो उनके पुत्र थे, राजा द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने अब उनके ही पुत्रों का, जो पांडव के जो पुत्र थे, उनको गहरी निद्रा में जब वो लीन थे तो उनको महाभारत के युद्ध जब हुआ था तो उसमें उन्होंने मार दिया था। तो ऐसे बहुत सारी अनीतिपूर्ण नीतियां भी, अनीतिपूर्ण चालें भी हैं जो कि रची गई थी, कुचक्र हैं जो चले गए थे। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि यहाँ पे जो है सब महारथियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और संजय जो है ये बात धृत राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि इसमें ये सब चाले, ये इसमें ये सब योद्धा जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, और आगे का जो भी हिस्सा है कि उन्होंने कहाँ पे क्या हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे के हिस्से में ही ये बताया गया है कि कहाँ पर किसका वध किया गया है और किस तरीके से ये हुआ है।